बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान में को उम्मीद करते हैं हमारे जितने बहन भाई देखने वाले सब खैर से होंगे, अल्लाह खुश करे, हम भी खैर से हैं और हमारी दुआएं हमारे देखने वाले जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें। और इसी के साथ ही करते हैं आज के व्लॉग का आगाज। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारे जो भाई हैं उन्होंने यूट्यूब से क्या कुछ बनाया है, माशाल्लाह अल्लाह पाक इनके नसीब में करे। तो ये जो घर है सबा अहमद ब्लॉग भाई अहमद का घर है, तो हम आपको दिखाएंगे कि अहमद भाई ने क्या कुछ यूट्यूब से बनाया है और कमाया है। तो फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अभी हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से ये बाहर है जो उन्होंने अभी अभी नीम घर बनवाया है और इनको हम पेंट करने के लिए आए हुए हैं। तो अभी हम ये आपको दिखाते हैं इसके बाहर का फ्रंट और फिर अंदर चलते हैं और आपको अंदर का विजिट करवाते हैं। ये है गेट और बल्ब भी आपने देखे हैं, बड़े बड़े माशाल्लाह से लगाए हुए हैं। और अब चलते हैं अंदर। ये तकरीबन उन्होंने एक किनाल का घर बनवाया हुआ है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं बाहर से और फिर इंशाल्लाह एक एक कमरे का विजिट करवाएंगे। और उन्होंने कुछ सामान भी लिया है फर्नीचर वगैरह का, तो पहले क्योंकि उनके पास एक ही कमरा था उन्होंने सामान वगैरह नहीं लिया था और अब उन्होंने बनवा लिया है। माशाल्लाह से यहाँ पे रूम भी हैं काफी सारे, तो उन्होंने अब सामान लेना स्टार्ट किया है। तो बाहर से अभी पेंट हो रहा है, तो आपको दिखाते हैं। ये फ्रंट है इस मकान का, तो मेरा भाई और मेरे हस्बैंड जो है वो पेंट का काम करते हैं, तो वो यहाँ पे आए हुए हैं पेंट करने के लिए। तो अभी चलते हैं अंदर, जो सामान लिया उन्होंने वो भी दिखाते हैं और आपको रूम भी दिखाते हैं। तो ये इन्होंने वॉशरूम बनाया है, ये सिंक वगैरह लगाए हुए हैं। पेंट की वजह से ये सिंक खराब हो चुका है अभी, फिर जब बन जाएगा तो फिर ये दोबारा सफाई करेंगे। और ये है वॉशरूम, ये देखें कितना प्यारी टाइल भी लगी हुई है, ऊपर भी लगी हुई है, सेलिंग की हुई है और फुहारा वगैरह भी लगा हुआ है। तो ये है बाथरूम, बाथरूम भी तकरीबन इसी डिजाइन का बना हुआ है। सारी ईंट जो है वो जो इस कमरे में इसमें लगी हुई है वो इसमें भी लगी हुई है। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं इनकी बैठक। ये इनकी बैठक है, तो यहाँ पे भी तकरीबन उन्होंने ये दीवारों वगैरह पे चार्ट वगैरह लगाए हुए हैं और ऊपर भी सीलिंग की हुई है, पंखा भी इन्होंने नया लगवाया है। माशाल्लाह से यूट्यूब की कमाई से जो मेहनतकार होते हैं, जो अभी जिन्होंने अभी भी स्टार्ट किया है वो अपना दिल छोड़ देते हैं, मेहनत जारी रखनी चाहिए, अल्लाह पाक मेहनत का फल जरूर देते हैं। तो इसके अलावा ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम का दरवाजा है बैठक से जाता है। तो अभी हम चलते हैं दूसरे कमरे में और सामान दिखाते हैं आपको। और एक रूम ये है, इन्होंने लिया है पंखा, कूलर पंखा भी अभी पिछली गर्मी में लिया था। एक एक आपको सामान दिखाती हूँ। ये कूलर पंखा इन्होंने पिछली गर्मी में, हम तब भी यहाँ पे आए थे तकरीबन, हम अब समझ रहे हैं इस घर के फर्द हैं, तकरीबन हर दो मंथ बाद एक मंथ बाद हमारा चक्कर कुदरत के लग जाता है। और ये है बर्तनों वाली अलमारी, ये अभी अभी सामान आया है और हमने सोचा वीडियो बना लेते हैं। और इसके अलावा ये इस्त्री भी इस्त्री इस पे कर सकते हैं। और ये मेज वगैरह, ये द्रास सॉरी, और इसमें कपड़े जो प्रेस करते हैं वो यहाँ पे भी रख सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने कपड़ों की अलमारी भी ली हुई है, ये देखें तो बहुत ही प्यारी डिजाइनिंग है, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। और यहाँ पे भी पंखा वगैरह भी लगाया हुआ है और सारा कमरे जो है वो रेडी है, बस एक रंग का काम रह गया है। रंग करने के बाद वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा ये भी रूम है, ये भी रूम है, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से। और बाइक भी अभी ली है, तकरीबन सारा सामान ही न्यू पड़ा हुआ है। और हमने माशाल्लाह से हमारी वीडियो बन गई तो हमने अपने बहन भाइयों को दिखाया। बाइक भी इन्होंने यूट्यूब की इनकम से ही ली है। और कंबल भी हम आए थे तो बिस्तर वगैरह आपने कहा है कि भाभी ने कि हम ये कंबल ले लेते हैं, और कंबल भी इन्होंने नए लिए हैं अभी तकरीबन एक दो दिन ही हुए हैं। और कमरा वगैरह अभी इन्होंने सेटिंग नहीं किया क्योंकि रंग का काम हो रहा है, जब काम कंप्लीट हो जाएगा फिर यहाँ पे सेटिंग वगैरह करेंगे। और क्लीन भी इन्होंने लेके रखा हुआ है ताकि नीचे जो है हम
क्लीन बिछा के इसके ऊपर जो है अपना सामान वगैरह जो हमने नया लिया है वो शिफ्ट करें। और खुरा वगैरह भी बनाया हुआ है, टैंकी वगैरह कुटी वगैरह सारा काम कंप्लीट हो चुके हैं और बिजली वगैरह भी इन्होंने यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी लगवा लिए हैं। और इसके अलावा ये नमाज की जगह है तो यहाँ पे मैंने एक कमरा एक्स्ट्रा बनवाया है नमाज के लिए और जय नमाज भी यहाँ पे रखी हुई है, नमाज पढ़ते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी पंखा वगैरह भी लगा हुआ है और बल्ब वगैरह भी बहुत ही जबरदस्त लगाए हुए हैं, जब बारिश हो तो पानी जो है उसके अंदर ना जाए वहां पे उन्होंने लगाए हुए हैं बल्ब। और इसके अलावा क्योंकि हम काफी देर से लेट उठते हैं तो बिस्तर वगैरह भी पड़े हुए हमने वो नहीं उठाए। और इसके अलावा ये चारपाइयां भी नई ली है, मैं आपको एक एक चीज दिखाती हूँ जो उन्होंने नई ली है। तो हमारा मकसद ये है कि जो हमारे बहन भाई जो है उम्मीदें छोड़ देते हैं वो उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। वैसे अल्लाह पाक मेहनत का फल जरूर देता है, देर से सही लेकिन देते जरूर अल्लाह पाक। तो ये भी कमरा, ये पंखा उन्होंने नया लगवाया, कुछ जो है वो पंखे पहले के इस्तेमाल किए हुए हैं एक दो, तो कुछ उन्होंने ज्यादातर उन्होंने नए लिए हैं। और ये चार पहिए हो गई और बरामदे के पंखे हैं वो भी इन्होंने सारे नए लगाए हैं, तीन लगाए हैं पंखे। ये देखें बरामदे की भी ऊपर सीलिंग की हुई है और बल्ब भी इसमें फिट किए हुए हैं, अंदर लगाए हुए हैं इसके। चार कमरे मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये रह गया हमारा लास्ट आखिरी कमरा। तो ये भी देख सकते हैं मैंने पंखा भी चला दिया है, मैं बल्ब जलाने लगी थी, पंखे का अपनी कौन सा बटन है, सात वाला है मेरे ख्याल में, हाँ जी ये वाला। पंखा बंद करते हैं क्योंकि अभी ठंड है। और इसके जो है कितना जबरदस्त ये फूल लग रहा है, फूल लगा हुआ है यहाँ पे, फूल लग रहा है मुझे, बहुत ही प्यारा लगा ये रूम। और इसके अलावा ये मैंने शीट ली थी वॉशरूम के जो दरवाजे हैं उस पे लगाने के लिए, पानी वगैरह जो है नहाने के दौरान पानी वगैरह दरवाजे पे जाए तो दरवाजे खराब ना हो, क्योंकि ये दरवाजे लकड़ी के नहीं है, ये दूसरे हैं, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। ये प्लाई के दरवाजे हैं, लकड़ी के नहीं है, तो इसमें जब जैसे पानी जाते हैं ये खराब हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये शीट ली है ताकि दरवाजे पे लगाएं और दरवाजे पानी की वजह से खराब ना हो। और इसके अलावा ये चेयर्स भी उन्होंने अभी ली है, ये चेयर्स उन्होंने क्योंकि गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर वो बाहर रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार पाई उन्होंने अभी ली थी तो पहले उन्होंने ये कुर्सियां ली थी ताकि मेहमान वगैरह जो आए वो यहाँ पे बैठ सके। और इसके अलावा इनके साथ ही एक मेज भी है वो दूसरे रूम में पड़ी हुई है, मैंने वो आपको दिखाई नहीं है। मेन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अपने बहन भाइयों को दिखाना कि मेहनत जो है, ये भी तकरीबन 4-5 साल से मेहनत कर रहे थे तो अब जाके अल्लाह पाक ने इनका हाथ पकड़ा है माशाल्लाह से, अब इन्होंने अपनी जो ख्वाहिशात हैं पूरी की हैं, अल्लाह पाक हर किसी की ख्वाहिशात पूरी करे। तो इस वजह से मैंने आज सोचा कि अपने बहन भाइयों को छोटी सी एक वीडियो बनाते हैं नए चैनल पे और अपने बहन भाइयों को शेयर करते हैं कि नए जो यूट्यूबर हैं वो अपनी उम्मीदें ना छोड़ें और अपनी उम्मीदें जो है कायम रखें। हमने भी कायम रखी हुई हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जो है वो हमें सुकून की थोड़ी बहुत सही लेकिन दे रहे हैं अल्लाह पाक, हमें ये भी बहुत ज़्यादा खुशी है। तो इसी के साथ ही करते हैं आज के व्लॉग का एंड, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।